इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर बॉर्डर पर, हलचल और बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चक्का जाम के लिए सब किसान मोर्चा बढ़ रहा है आगे। ये बड़ी खबर, हाईवे जाम करने के लिए उतरे हैं प्रदर्शनकारी। श्वेता, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर पर हलचल जो है वो तेज हो गई है। चक्का जाम के लिए संयुक्त किसान मोर्चा आगे बढ़ रहा है। शशि मोहन हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। शशि, क्या अपडेट मिल रहा है, किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के जो ये लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं? प्रेम, शशि मोहन, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? इसलिए तमाम साथी, तमाम किसान भाई, हाँ हाँ मनीष, प्रेम में लेना भाई, साथी अभी भी नहीं, प्रेम में लेना, प्रेम में। किसान एकता जिंदाबाद। तो किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। शशि मोहन शाहजहांपुर बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश। हाँ, मैं फ्रेम, फ्रेम। शशि मोहन, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो फ्रेम में रहते हुए जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ वहां इस वक्त चल रहा है? लगता है कोई तकनीकी खराबी है, इस वक्त आवाज नहीं पहुंच पा रही है शशि मोहन तक, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वही इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है, सापला रोहतक हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम किया है। किसानों ने एनएच 9 को पूरी तरह से जाम कर दिया है। बड़ी खबर, सापला रोहतक हाईवे पर किसानों का चक्का जाम, इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि तय समय के अनुसार ही इसकी शुरुआत की गई है, एनएच 9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि हमारे साथ रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी, तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, इस वक्त लक्ष्मी आपको दिखाना चाहेंगे, आपको ये समझाना चाहेंगे कि इस वक्त यहाँ पर क्या हालात हैं, और ये जो चक्का जाम की शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है, रास्ता है दिल्ली की तरफ, वहां पर एक लेन छोड़ी गई है अभी खुली, लेकिन दूसरा ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये दिल्ली से आने वाला जो रास्ता है यहाँ पर पूरी तरह से रोक दिया गया है इस रास्ते को, वहां पर ट्रैक्टर लगा दिया गया है। और ठीक 12 बजे से अब किसी भी गाड़ी को इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि एक सर्विस लेन छोड़ी गई है, शायद वो एम्बुलेंस या फिर जरूरी वाहनों के लिए खुली रखी गई है। और ठीक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एम्बुलेंस पीछे से आके आप आवाज सुन सकते हैं कि एक एम्बुलेंस आ रही है, अब देखना होगा कि उसे रास्ता मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हाँ एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ दिया है, यानी जरूरी वाहनों को रास्ता यहाँ पर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन गाड़ियों पर जिस पर कि किसान यूनियन के झंडे लगे हुए हैं, या फिर लगातार जो सुमित किसानों के लिए सामान लेकर आ रहे हैं, वो ट्रैक्टर्स भी अब यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सापला टोल प्लाजा की फिर से एक बार तस्वीर दिखाएं कि देखिए महिलाओं को सड़कों पर उतार दिया गया है, देखिए किस तरह से महिलाओं को सड़कों पर उतार दिया गया है, और बैरिकेटिंग के जरिए तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। यानी कि देखिए चक्का जाम की शुरुआत जो है वो सापला टोल प्लाजा से शुरू हो गई है। देखिए भारी संख्या में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय पानीपत में, क्या कुछ तस्वीरें, चूंकि जाहिर है चक्का जाम का समय हो गया है, कई जगह से तस्वीरें आ रही है, रोहतक से भी तस्वीरें देखी, चक्का जाम हो गया, तस्वीरें। बिल्कुल, ये तस्वीरें सीधी आप देखिए, मैं और अक्षय लगातार सुबह से पानीपत मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से हाथ में CPIM के झंडे हैं, तिरंगा है, और अलग अलग किसान संगठन के झंडों के साथ ये अब पानीपत टोल को बंद कर दिया गया है। अक्षय, बिल्कुल, देखिए अब किसान जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया जो दिल्ली की ओर जा रहा है, कि दिल्ली से इस ओर आने वाले रास्ते को अभी बंद नहीं किया गया। यहाँ पर दो टोल खुले हुए थे, दो यहाँ पर जो बूथ थे वो खुले थे प्लाजा के, लेकिन अब देखिए कि अत्याचार नहीं सहा जाएगा और कानून वापस लिया जाए। और इसमें छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हाथों में झंडा थमाकर यहाँ पर लाया गया है, और यही मांग की जा रही है कि किसान कानून वापस लिया जाए। लगातार नारेबाजी हो रही है, और कुछ ऐसी नारेबाजी भी हो रही है जो शायद हम दिखा नहीं सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पुलिस आपको कहीं ना कहीं नदारद नजर आएगी। एक वैन PCR की वहां पे आपको दिखेगी जो कोने में अब लगती नजर आ रही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पुलिस बल या सुरक्षा बल नजर नहीं आ रहे। शांतिपूर्ण तरीके से इस चक्का जाम का ऐलान किया गया था, और शायद यही वजह है कि इस बात पर भरोसा करके यहाँ पर ना पुलिस बल की जरूरत पड़ रही है, उस और भी अक्सर अब बंद करने की तैयारियां हो गई है। देखिए वहाँ भी अब वहाँ पर लोग दूसरी तरफ अब दिल्ली से पंजाब जाने वाली सड़क भी जो है वो बंद कर दी गई। देखिए किस तरीके से गद्दे लेकर जा रहे वही बैठने आराम से,
कि गद्दों के और अक्षय इस वक्त रोकना चाहेंगे। तस्वीरें शाहजहांपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं। देखिए शाहजहांपुर की ये तस्वीर किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के किसान जो है वो लामबद होके यहाँ पर सड़क पर चक्का जाम करते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं और जहां भी इन्हें जगह मिल रही है 12 बजे से 3 बजे तक ये वक्त रखा गया और ठीक 12 बजने के बाद से ही देखिए तैयारी पहले से हो रखी थी और किसान मोर्चा के ये लोग शशि मोहन को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शशि मोहन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए, तस्वीरें दिखाइए और बताइए जरा किस तरीके से ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। तस्वीरों पे ज्यादा रखना। देखिए ठीक 12 बजे के साथ में ही ये जाम लग चुका है शाहजहांपुर बॉर्डर पर। जो 12 दिसंबर से किसान बैठे हैं वो यहां आके जाम लगा चुके हैं। 12 से 3 बजे का चक्का जाम का कॉल है। जो 4 लेन हम बात कर रहे थे, सर्विस दोनों सर्विस लेन समेत दोनों मेन हाईवे, उन चारों पर जाम लगा दिया गया है। किसान खुद अपने बल्ली ट्रैक्टर और तिरपाल लेकर के आए हैं, इन तिरपालों को बिछा करके बैठे हैं और पूरी तरीके से जाम लगा रखा है। और ये जो जाम है ये मैसेज देने की कोशिश है किसानों की एकता की, किसानों की एकता की ये बात कर रहे हैं। और इनका सीधा तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता संजय माधव हमारे साथ हैं, संजय जी से बात करते हैं। संजय जी, क्या सरकार तक आवाज पहुंच रही है, कोई जू रेंग रही है? बिल्कुल पहुंचेगी। आज जिस जो चक्का जाम है पूरे देश में ऐतिहासिक चक्का जाम होगा और शांतिपूर्ण होगा, बहुत ही अनुशासित होगा। आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको मुक्त रखेंगे, किसी भी जनता के हिस्से को परेशान नहीं होने देंगे। आपने कहा कि शांतिपूर्ण होगा, अनुशासित होगा, क्या 26 जनवरी को जो एक घटना हुई उससे सबक लेकर के आपने सख्त निर्देश दिए हैं अनुशासन बनाए रखने के? 26 जनवरी को भी सख्त निर्देश थे, 26 जनवरी को भी बहुत अनुशासित था, लेकिन ये सरकार की चाल थी और एक सुनियोजित तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा किया गया उसकी पोल खुल चुकी है। किसान आंदोलन पहले दिन से ही अनुशासित है, अनुशासित था और अनुशासित ही रहेगा। जी, मैं देख रहा हूँ 12 तारीख को आप जब आए थे तब आपका रंग इतना पक्का नहीं था, इतने दिन में धूप में घिस घिस के और पक्का रंग हो गया आपका। ये आंदोलन का रंग कितना पक्का हुआ? ये आंदोलन का रंग इस रंग से भी ज्यादा पक्का है। रंग तो नेचर की देन है, जब तपते हैं संघर्ष की उसमें तो आदमी खरा सोना बनता है, तो इसमें हम किसानों के संघर्ष में तप रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि अक्टूबर तक के लिए किसानों को डटे रहना होगा, उसके लिए तैयार होना होगा। क्या अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा या उससे पहले ही समाधान निकल जाएगा? हमें तो उम्मीद है कि सरकार की सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि लाखों किसान आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, करोड़ों किसान घरों में आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर सरकार अगर नहीं मानेगी तो जरूरत पड़ने पर अक्टूबर तो क्या अगले अक्टूबर तक भी बैठने के लिए तैयार है हम। देखिए संजय माधव का बड़ा बयान है, अक्टूबर तो क्या अगले अक्टूबर तक के लिए भी तैयार है। और यहाँ पर जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके नेता लगातार बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक है पवन दुग्गल, उनसे भी बात करते हैं। पवन जी, आप लोगों का आंदोलन लगातार चल रहा है 12 तारीख से जब आप लोग यहाँ बैठे थे, क्या सरकार कहीं पिघलती दिख रही है इस पूरे प्रकरण में आपको? देखिए ये तानाशाही सरकार है, हिटलर के रास्ते पे चलने वाली सरकार है और अन्नदाता है। 3 महीने से इस भीषण सर्दी से निकलते हुए आज आसमान तप रहा है, सारे दौर के अंदर हम निकल रहे हैं लगातार। हमें आज 2 महीने का वक्त हो चुका है। सरकार की मंशा अभी ठीक नहीं लगी, लेकिन हम लोग पहले दिन भी ये कहा था कि ये आंदोलन हम 6 महीने चला सकते हैं, इस आंदोलन को लंबा चलाएंगे। सरकार नहीं मानेगी, MSP पे बात नहीं करेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर हाईवे पर भी जाम की खबर मिल रही है। हाईवे पर किसान नेता जो है वो बैठे, तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाईवे को जाम किया जा रहा है। अमृतसर हाईवे पर भी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हाईवे पर किसान नेता बैठे हुए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अमृतसर हाईवे की तस्वीर है, यहाँ पर छोटे छोटे जत्थे बनाकर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। तस्वीरें सबसे पहले से हिंदुस्तान पर इस वक्त आप देख रहे हैं, चक्का जाम की महाखबर जी हिंदुस्तान पर, तमाम ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। मोहाली में भी सड़क पर उतरे हैं किसान नेता, ये बड़ी खबर। मोहाली से चक्का जाम की तैयारी में किसान नेता, बड़ी खबर इस वक्त तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। देश भर में कृषि कानून के खिलाफ आज चक्का जाम का ऐलान और 12 बजे से चक्का जाम की शुरुआत। हितेन और अक्षय इस वक्त हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। हितेन, क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें, क्या कुछ तैयारी? हाँ, आगे 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 आगे
देखिए हम लक्ष्मी सीधे सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूंगा महबूब दिखा दे। यहाँ पर एक ट्रक जो था वो इंडियन ऑयल ज्वलनशील पदार्थ की गाड़ियां है लेकिन वो खाली है, हालांकि ये साफ है, वो लगातार मांग लेकिन उसे भी रोक दिया गया। देखिए किस तरीके से कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा आगे जाकर आपको तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से उसी ट्रक के आगे गद्दा लगा दिया गया और लगातार गुजारिश कर रहा था एक दिन के जाने दिया जाए लेकिन खाली है, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। गद्दे लगा दिए गए वहाँ पर बैठे हैं, नहीं जाने दिया जाएगा। लंबा जाम दोनों तरफ दूसरी सड़क भी बंद है। ये गाड़ी दिखाते हैं, ये गाड़ी देखिए गाड़ी लगाकर क्रॉस रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से तस्वीर दिखाएंगे कि ऐसी दो तीन गाड़ियों को लगाया गया है ताकि सड़क पूरी तरह से ब्लॉक रहे, कोई गाड़ी आगे ना आए। धीरे धीरे ये रेला बढ़ता जा रहा है, ये जो लाइन है बहुत लंबी होती जा रही है लक्ष्मी, और ये अपने आप में दिखा रहा है कि दिल्ली से आने वाले तमाम लोगों को अभी 3 घंटे नहीं, जब ये जाम खुलेगा तब भी कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन पुलिस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है अक्षय। सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन का ऐलान किया गया था उसके बाद सिर्फ पुलिस की 2 गाड़ी आप तक याद दिखी है, वो भी छोटी छोटी जिप्सियां, हालांकि उसमें भी दो जवान जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए लगातार गद्दों के साथ अब ये सड़कों पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ का रास्ता जो है वो अब बंद कर दिया गया है। देखिए ट्रकों को अब पीछे लिया जा रहा है कि अगर आपको जाना है। और ऐसे में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली रोहतक हाईवे पर लंबा जाम लगा है। ये बड़ी खबर दिल्ली रोहतक हाईवे पर लंबा जाम, इस वक्त की बड़ी खबर। सांपला रोहतक हाईवे पर किसानों का चक्का जाम शुरू हो गया है। 12 बजे का समय हो गया, इसके बाद जाम की शुरुआत हुई है। तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रमन और सुमित का रुख कर लेते हैं। रमन और सुमित क्या तस्वीर? देखिए बिल्कुल तस्वीरों को हम सीधा आपको दिखाते हैं और सीख सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है कि चक्का जाम कर दिया गया है, वहाँ पर लोग बैठ गए हैं और साथ ही साथ ये जो लोग आपको आते हुए दिख रहे हैं वो बस रोक दी गई थी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो ये सारे लोग हैं जो अभी ने पैदल आगे तक जाना पड़ेगा सुमित, और ये परेशानी दिख रही है। महिलाओं को का सहारा लिया गया है। देखिए बैरिकेडिंग तो पहले की गई है और महिलाएं सड़कों के बीचों बीच बैठ गई हैं जिसके चलते लंबा जाम जो है आप देख सकते हैं। जो लोग दिल्ली से हरियाणा की तरफ आ रहे थे वो अब बसों को छोड़कर वापस अब पैदल की तरफ ही निकल गए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाना चाहें जो हरियाणा से जो तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं वो कैसे है, तो यहाँ लोगों को काफी परेशानी तमाम आती है। लेकिन जहां पर जाम किया गया है वहां पुलिस बल की सुरक्षा है, वहां नहीं फिलहाल पुलिस बल की सुरक्षा है रमन। तो ऐसे में लगातार यहां जाम के हालात अब देखने को मिल रहे हैं क्योंकि देखिए 12 बजे का इंतजार किया जा रहा था, जैसे ही 12 बजा है उसके बाद तमाम बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं और महिलाओं को का सहारा लेते हुए महिलाओं को सड़कों के बीचों बीच बैठा दिया गया। आप तस्वीर अगर देख सकते हैं किस तरह से यहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो हैं वो बैठ गई हैं और यहां से पूरी तरह से चक्का जाम। और मोहाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क पर किसान नेता जो हैं वो उतरे हैं, चक्का जाम की तैयारी में किसान नेता सड़कों पर उतर आए हैं। देश भर में कृषि कानून के खिलाफ आज चक्का जाम है। 12 से 3 बजे तक का वक्त जो है वो दिया गया है चक्का जाम का और किसान नेता की यहां पर पूरी तैयारी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जी हिंदुस्तान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर अमृतसर की आप देख रहे हैं और वही दूसरी तस्वीर जो है वो मोहाली की तस्वीर है। यानी 12 से 3 जो वक्त दिया गया था चक्का जाम का, अब धीरे धीरे देखें तो किसान नेता अपनी उसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। अमृतसर और मोहाली की 2 अलग अलग तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहाली में भीड़ ज्यादा है, अमृतसर में शुरुआत हो रही है। सुखचैन जी और हितेन इस वक्त अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय क्या कुछ इस वक्त जानकारी? महबूब बिल्कुल, देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब महिलाएं भी जो है वो गद्दे लगाकर सड़कों पर बैठ गई है कि यहाँ से अब 3 घंटे किसी भी गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए अब लाइन लगना शुरू हो चुकी है, चाहे बस हो या फिर ट्रक हो, हर कोई यहाँ खड़ा है। अक्सर लगता है महिलाओं से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, कि आप बताइए, एम्बुलेंस के लिए तो रास्ता देंगे ना आप लोग? के लिए तो है एम्बुलेंस के लिए तो रास्ता, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। आप लोग कहाँ से आए? लंबा जाम अगर लग गया, एम्बुलेंस बहुत पीछे फंस गई तो फिर निकलने का रास्ता देंगे उनको, किसी को मतलब आम जन जी उनको कोई हानि इसमें नहीं है। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम आम आदमी है। नहीं, मतलब किस हिस्से से आए हैं आप? पानीपत से, समालका से।
अच्छा अच्छा, देखिए अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। अब देखिए पहिए थम चुके हैं, जैसे 12 बजे हैं जो ऐलान किया गया था, और यहाँ पर देखिए बस से अब कुछ लोग उतर रहे हैं। ये हाँ, ये समर्थक किसान आंदोलन के ही, ये जो अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हैं उसी समर्थक समर्थनों की बस है ये। अब धीरे धीरे यहाँ पर समर्थक भी जुए वो चक्का जाम कराने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेकिन पीछे देखिए, पीछे आप देखिए ट्रक एक तरफ अब लगना शुरू हो चुके हैं, तो छोटी गाड़ियां अभी भी दूरी से यू टर्न मारती नजर आ रही है। उन्हें उम्मीद है कि अभी भी पीछे का कोई एक छोटी सड़क होगी जो, और दोनों तरफ इस तरीके का जाम हो चुका है। आप दूर दूर तक आपको या तो गाड़ियों के पहिए थमे नजर आएंगे, चलती हुई गाड़ी नजर नहीं आएगी। मैं चाहूंगा महबूब मेरे साथ आए, हम पीछे कहाँ तक जाम है एक बार देखते जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि हम ऊपर चढ़कर अगर पॉसिबल हो तो वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप दूर तक इस आंदोलन को देख सकते हैं। चक्का जाम की तस्वीरें आपको नजर आ रही है, सारी देखिए उधर भी लोग बैठ गए, उधर भी एक बार उस साइड जाइएगा। ये तस्वीरें देखिए वहां भी किस तरीके से लोग बैठ के अब जो गद्दे डाल डाल कर लोग बैठ चुके हैं, गद्दे तैयारियों के साथ। अच्छा, कहाँ जाना है आप लोगों को ट्रक लेके? हमें जाना है कुरुक्षेत्र। अब तो 3 घंटे रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं जी, किसानों के साथ हैं। अच्छा, आप भी वही बैठने जा रहे हैं? बिल्कुल वही बैठने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदी कर दी, रोड वाले भी जो है समर्थक बन के अब जी। हितेन लौटेंगे आपके पास। फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर चक्का जाम के वक्त की ये तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर भी किसान नेता जो है सड़कों पर उतरे हैं। और फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है यहाँ शायद पुलिस इन लोगों को बस में भर रही है, उठा रही है और बस में इन्हें डाला जा रहा है पुलिस की तरफ से। तस्वीरें तो कुछ इसी तरीके से सामने आ रही है, अलग अलग शहरों जो तस्वीर आ रही है जी हिंदुस्तान लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त जो तस्वीर बेंगलुरु की एक तरफ आप देखें, वहां तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि यहां किसान नेता सड़क पर जब उतरे हैं हंगामा कर रहे तो उन्हें पुलिस बस में डालती हुई नजर आ रही है। देखिए पुलिस के वहां पे जवान मौजूद है और बस खड़ी है और यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। किसान नेता जो है वहां पर मौजूद है और उन्हें किस तरीके से या तो अंदर किया जा रहा है, ये पुलिस की बस भी हो सकती है। लेकिन कमोबेश इस तरीके की तस्वीर शहरों से, ये देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। पुलिस दबाने के मूलक रैत चलवान प्रदर्शनकारी यहाँ हिरासत में लिए गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा था, चक्का जाम करने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को उठाया गया है, उन्हें बस में भरकर पुलिस ले जाती हुई। तो लगातार अलग अलग शहरों से जो तस्वीर आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 12 से 3 बजे ये वक्त रखा गया चक्का जाम का, कहीं किसान नेता जो है सड़कों पर उतरे हैं चक्का जाम करने के लिए तो कहीं सड़कों पर बैठ गए, कहीं हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि गद्दे लगाकर सड़क पर बैठ गए हैं और इस तरीके से चक्का जाम किया जा रहा है। ये बेंगलुरु की तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बसों में भरकर उन्हें कहीं ले जाया गया है। तो दो अलग अलग तस्वीर, एक तरफ देखिए ट्रैफिक पुलिस कैसे रूट क्लियर करवाती हुई, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को जो है बस में भरा गया है। लक्ष्मी, तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से दो तस्वीरें हैं। चक्का जाम का जो समय निर्धारित किया गया था दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए हालांकि ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण होगा लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं बेंगलुरु से है जहां पर थोड़ी शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में जब आप देखेंगे तो जाहिर है कि देखिए रोड पर लेट कर प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस मशक्कत कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर तनाव देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पहली तस्वीर बेंगलुरु से दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सांपला रोहतक हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है, NH9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तो सांपला रोहतक हाईवे को जाम किया गया है, NH9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया यहाँ किसानों ने। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाईवे को जाम किया गया है और यहाँ भारी भीड़ देखने को मिल रही है किसानों की, और NH9 को पूरी तरीके से जाम किया गया है। रोहतक का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रमन वहां पर मौजूद है। रमन, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? 12 से 3 बजे का वक्त अब चक्का जाम करते नजर आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है, वहां कैसी तस्वीर?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी चक्का जाम कर दिया गया है, 12 बजे का इंतजार किया गया और इस वक्त आप देख सकते हैं 3 घंटे के लिए अब यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है। और ठीक सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ पर जो किसान प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं और जो बसें हैं जो कि रोडवेज की हरियाणा रोडवेज की बसें थी उन्हें भी पीछे रोक दिया गया है और अब लोगों के लिए परेशानी काफी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें अब यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है और इससे आगे उनके लिए कोई रास्ता अभी यहाँ पर नहीं है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये जाने वाला रास्ता है जो कि दिल्ली की तरफ जाता है और उसे भी यहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और 3 घंटे वो बिल्कुल किसी को यहाँ से जाने देना नहीं चाहते। तो यही स्थिति लगातार आपसे लेते रहेंगे। देखिए तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया गया है। और इस पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की तस्वीरों के साथ। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया, कई हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया है। श्वेता जी हाँ, देश के कई हिस्सों में चक्का जाम किया है किसान संगठनों ने, कई हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाया है और अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जी हिंदुस्तान लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है किस तरह देश के कई हिस्सों में चक्का जाम किया गया है। 12 से 3 ये वक्त रखा गया और अब किसान संगठन जो है और उनके नेता जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, कई हाईवे जाम किया गया है, कई सड़कें जाम की गई है। लगातार जहां से भी तस्वीर आ रही है अलग अलग शहरों से, जी हिंदुस्तान तुरंत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और लगातार ये तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि चक्का जाम है 12 से 3 बजे तक। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी डटे हुए हैं, हर एक बॉर्डर की तस्वीर सबसे पहले जी हिंदुस्तान पर देखेंगे आप। लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं।